फ्रेंड्स, मैं नवी हुसैन खान, मैं बेलूर का रहने वाला हूँ। बेलूर स्टेशन रोड, 6 धर्मतला रोड, लालवा कॉलेज के पास। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से उठ के आया हूँ और आप लोग मुझे हो सके तो पहचानते होंगे, और कुछ दिन पहले आप लोग मुझे IFSCL का फाइनल में भी देखे होंगे। मैं यहाँ करीब करीब बचपन से ही हूँ। आप लोग तो पीछे देख ही सकते हो, एक छोटा सा ग्राउंड है। मैं इसी ग्राउंड में पहले खाली पैर खेलता था। इधर से फिर सौविक सिन्हा और सोमनाथ दास और सौमिक घोष बोल के दो तीन भैया थे, वो लोग उन्होंने मुझे खेलने के लिए बोला, इधर आप प्रैक्टिस करोगे। फिर मैं प्रैक्टिस किया उधर से, फिर मैं प्रैक्टिस, मेरे पास बूट तक नहीं था इधर खरीद, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए, तो उन्होंने ही जुगाड़ करके बूट दिया। फिर उधर से मैं एक दो साल प्रैक्टिस करने के बाद मैं इधर से बड़ा नगर जुबो जागरण में गया रंजन सर के पास। उन्होंने मुझे करीब सर के पास गए हुए अभी करीब करीब मेरा 10 साल हो गया। मैं उधर वहाँ पे गया सर के पास, सर छोटे से ही मुझे बहुत गाइड करते थे, अभी भी गाइड करते हैं। बट गाइड तो सर से मिला, मेरा परिवार से, मतलब हम लोग, मतलब बंगाली में जैसे मिलता है कि छोटा से ही, मतलब परिवार वाला लोग सपोर्ट करता है कि हाँ ये करो, अच्छा होगा, स्पोर्ट्स में जाओ। लेकिन मेरा घर में अभी तक फुल फैमिली नहीं जानता है मैं क्या करता हूँ। बट सर ने बहुत मुझे गाइड किया और उन्होंने वो अच्छा अच्छा जगह चांस दिया मुझे। आप 2 महीना पहले देखे होंगे IFSCL में भी उन्होंने मुझे चांस दिया। पहला कोच तो गणेश दा बोल के एक जन था, बट वो उतना अच्छा प्रैक्टिस नहीं कराते थे, तो सौविक गोदाई दा, जिनका अच्छा नाम है, मतलब डाक नाम गोदाई दा, उन्होंने मुझे बड़ा नगर सर के पास ले गया। सोमनाथ दा था, वो ले गया, उन्होंने सर के पास ले गया, सर मुझे अच्छा गाइड किए। फिर वहाँ से मैं, तब सौभिक चक्रवर्ती दादा लोग था, तो वो लोग हम लोग से बहुत सीनियर थे, उन लोग को देख के हम लोग एक्सपीरियंस, मतलब ये हुआ कि ये लोग खेल सकते हैं, हम लोग क्यों नहीं खेल सकते। देखिए, मम्मी पापा का तो सपोर्ट उतना नहीं मिला, क्योंकि मम्मी पापा चाहते थे मैं पढ़ाई करूँ, पढ़ाई करके कुछ बनूँ। बट मेरा एक अलादा ये था कि मैं स्पोर्ट्समैन बनूँ, और ऊपर वाला का दुआ है जो आज मैं स्पोर्ट्समैन हूँ। अभी मम्मी पापा को प्राउड फील होता है कि मेरा बेटा इतना अच्छा कर रहा है, ये कर रहा है। अभी भी, मतलब पूरा इस मोहल्ला का, आप लोग देख रहे हो, इस मोहल्ला का पूरा इंसान नहीं जाना होगा कि अभी मैं क्या हूँ, बट इतना ही। तो मैं बचपन से इधर ही था और मैं स्ट्रगल बोले तो बहुत किया, पापा से बहुत डांट सुनता था स्कूल जाने के लिए, फिर खेलने के कारण मैं दिन भर डांट सुनता था पापा से। पापा कभी घर में नहीं ढुकने देते थे, रात को बोलते थे पढ़ाई नहीं करोगे घर से निकाल दूंगा। ऐसे कलकत्ता मैदान पहले फर्स्ट मुझे रंजन सर ने भेजा 2014 में काशीपुर सरस्वती के लिए। फिर वहाँ से मैं 2 साल उधर खेला 3rd डिवीज़न। उधर में खेलने के बाद फिर मैं मिलन मिति साइन किया। मिलन मिति के बाद ईस्ट बंगाल 19, जॉर्ज टेलीग्राफ, फिर मॉडर्न 19, मॉडर्न सीनियर, बंगाल टीम, ATK रिजर्व, जॉर्ज टेलीग्राफ, IFSCL, बहुत एक्सपीरियंस मिला कोलकाता मैदान खेलने पे। और खेलने के प्रति मेरा बहुत ही इच्छुक था कि हाँ मैं खेलूँगा, एक बड़ा प्लेयर बनूँगा। फिर उसके बाद बैक सपोर्ट, अभी पहले जैसे नहीं मिलता था, अभी बैक सपोर्ट मिलता है मम्मी पापा का कि हाँ आप खेलो, मैं हूँ आपके संग। देखो, हर प्लेयर का तो एक नेक्स्ट स्टेप होता है इंडिया टीम, देश का जर्सी अपने शरीर पे चढ़ाना। वही मेरा भी ये है कि इंडिया खेलूँ, ISL खेलूँ। मेरा अभी तक सबसे पसंद कोच रंजन सर ही है, क्योंकि वो प्लेयर को समझता है। वो मैं हूँ, बबलू ओरा हो, तन्मय घोष हो, कोई भी हो, वो प्लेयर को समझता है कि हाँ इसके अंदर है क्या। वो, मतलब अगर ऐसा, वो प्लेयर को इतना अच्छा समझ लेता है कि अगर वो कोच उसको, उनको बड़ा कोच इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर फाइनल आप लोग देखे होगे तो समझ गए होगे कि दीपेंदु दुवाड़ी को बैठा के गौतम दास को क्यों उतारा। ये देख के बहुत जन समझ जाता है, वो कोच ऐसा है कि मतलब प्लेयर को देख के समझ जाता है एक दिन में कि हाँ ये इसके अंदर है क्या। मेरा इंडियन फुटबॉल फेवरेट फुटबॉलर रहीम नबी और सौविक चक्रवर्ती। फॉरेन में वही मार्सिलो। मेरा फेवरेट फूड, मतलब ऐसे नाश्ता में हुआ पराठा आलू दम। मैं साउथ का एक मूवी है वर्दी वाला गुंडा,
वो मैं इसलिए देखता हूँ, वो देखने से बहुत एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि वो मूवी देखने से उसमें दिखाया है कि हाँ कैसे गरीबों का सहायता करते हैं। बस वही वही उसी के प्रति मैं भी अभी बहुत जन का सहायता करता हूँ, बोलना तो नहीं चाहिए तब भी बता रहा। वो मूवी देखने के बाद हमको ये हुआ, देखिए मैं बचपन से इधर हूँ तब भी मेरा बगल में ही है बेलूर मठ, सबसे अच्छा जगह, सबसे शांति जगह, उधर जाता हूँ दोस्तों के संग बैठ के 2-3 घंटा बातचीत हंसी मजाक करके आता हूँ। मतलब इधर बहुत फॉरेन से भी इंसान आता है इधर घूमने, तो मेरा घर का बगल में ही है, तो वहाँ सप्ताह में 1-2 दिन जाके बैठ के शाम को अड्डा हड्डा मारते हैं। बस बात बोलना नहीं चाहिए कि ये क्लब अच्छा है, वो क्लब अच्छा है, क्लब सभी अच्छा है ना, बट सब कोई चाहता है कि हाँ एक अपना, जैसे अपना कलकत्ता का 3 प्रधान है, मॉडर्न, ईस्ट बंगाल मॉडर्न, मोहन बगान, सब कोई चाहता है, हर एक प्लेयर चाहता है कि वो तीनों क्लब खेले, अपने लिए खेले, क्लब के लिए खेले, फैंस के लिए खेले। बट आप लोग कुछ दिन आगे देखे होगा कि मेरा एक रूमर निकला था इस बंगाल के लिए, तो प्लेयर का एक होता है कि हाँ एक बड़ा क्लब मिले उसको, उस क्लब में जाए, अपने को दिखाए कि हाँ मैं ये हूँ, ये कर सकता हूँ, और वो क्लब खेल के वो प्लेयर चाहता है कि हाँ इंडिया टीम खेलूँ। फुटबॉल के अलावा मैं हर संडे अगर छुट्टी रहता है हम लोग का प्रैक्टिस, तो इसी बगल मैदान में आप लोग देख सकते हैं, संडे के दिन सुबह में हम लोग मोहल्ला का लड़का ही मिल के क्रिकेट खेलते हैं, और ऐसा टाइम में बोरिंग फील ना हो उसके लिए गाना सुनते हैं घर में। ड्रेसिंग रूम के बारे में अगर मैं बोलूँ तो हमको ड्रेसिंग रूम में सबसे ज़्यादा गाइड करने वाला जॉर्ज सेलिग्राफ का ही प्लेयर था, एक शुभ कुमार, मतलब बहुत आप लोग तो नाम सुने होगा शुभ कुमार, वो उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। मतलब मेरे मोहल्ले में ही रहते, इधर से 2-3 मिनट दूर जाने पे उनका घर है। वो IFSC सेमीफाइनल सेमीफाइनल हम लोग खेलने जा रहे थे, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे, तब उन्होंने फ़ोन किया, बोला नबी ये तुम्हारे मैच जीवन के लिए सबसे मतलब वाइटल मैच है, ये ऐसे करोगे तो अच्छा होगा, ये करोगे तो अच्छा होगा। फिर मैच मैच खेलने के बाद मैं उनको फ़ोन किया कि हाँ सुबोध आप ये बोले तो ये अच्छा हुआ, हाँ, तो फिर उन्होंने बोला ठीक है ऐसा ही कंटिन्यू करते रहो, बहुत आगे तक जाना है। फिर उन्हीं के संग में जब मतलब ड्रेसिंग रूम शेयर किया था 2 साल पहले, शायद हम लोग ईस्ट बंगाल मैच जीते थे, तो उस समय का बात है, मतलब एक तन्मय था, तन्मय घोष, वो लेफ्ट बैक नहीं, वो स्ट्राइकर है तन्मय घोष, वो उससे थोड़ा मैं ज़्यादा मजाक करता हूँ, तो वो मैं मजाक कर रहा था उससे, तो वो मुझे गाली दे रहा था, तो सुबोधा ने सुन लिया था, तो सुबोधा बोलता है कि खाली तुम लोग गाली दो और गाली गलौज करो, फिर खेला पे ध्यान नहीं दो। तो उसके बाद बहुत मजा आया कि हाँ खाली मैं प्रैक्टिस में भी बोलता रहा था सुबोधा को, सुबोधा देखो गाली दे रहा है, प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, यही सब, बहुत मजा आया था उस दिन। देखिए जब लॉकडाउन हुआ उससे कुछ दिन पहले मैं सेकेंड डिवीजन आई लीग खेल रहा था, तब ATK रिजर्व में था, तो मैं दिल्ली में अगर मैच खेलने गया था हम लोग, तो उधर 17 मार्च को लास्ट मैच खेला, 17 मार्च को नहीं सॉरी 10 मार्च को लास्ट मैच खेला। तो उधर से आने के बाद फिर इधर आया कोलकाता न्यूटन होटल, हम लोग का फ्लैट था उधर में था, तो मैनेजमेंट बोला 10 दिन गैप है, कोई खेला नहीं है, तो सबको 1 सप्ताह का छुट्टी देते, तो 1 सप्ताह छुट्टी दिया, तो फिर सबको अपना अपना घर गया, मणिपुर का लड़का लोग भी अपना घर गया, मैं भी घर आया। तो मैं सोचा बहुत दिन से मम्मी से देखा नहीं हुआ, मैं भी गांव अपना गांव वाला घर पे जाके मम्मी से मिल के आता हूँ, और मुझे मालूम नहीं था कि लॉकडाउन होने वाला। फिर मैं 17 मार्च को इधर से गांव के लिए निकला, तो गांव में जाने के बाद 2 दिन बाद ही लॉकडाउन, मतलब 22 मार्च को लॉकडाउन ये हुआ कि हाँ 1 दिन लॉकडाउन होगा, बट ये कोई नहीं जानता था कि 1 दिन नहीं 8 दिन 8 महीना लॉकडाउन होगा। तो फिर उधर में जाने के बाद पहले सरकार बोला एक महीना लॉकडाउन, तब उतना करा ही नहीं था, सब बाजार जा सकते थे या फिर सकते थे, बट तब उस समय उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, छत पे प्रैक्टिस कर मैं अपना गांव का घर पे जो छत है उस पे प्रैक्टिस करता था। फिर उसके बाद जो लॉकडाउन हुआ, घर से बाहर तक पैर नहीं निकाल सकता था, तब बहुत प्रॉब्लम होता था। फिर प्रॉब्लम तो मैं तो सबको मतलब अपने बॉडी को फिट रखने के लिए, एक हर फुटबॉलर का तो प्रॉब्लम होना ही चाहिए अगर घर पे बैठ जाए 10 दिन, तो बट उस समय बॉडी फिट रखने के लिए मैं घर का बरांडा में प्रैक्टिस करता था, और कैसे प्रैक्टिस करता था, ईट ईट होता है ना ईट, उसका मैं डंबल बनाया था, उसका अंदर ये मतलब होल कर
के डंबल बनाया, फिर बॉल था, बॉल से प्रैक्टिस किया, कोर करना, सिट अप, डिप्स, ये सब मारना, ऐसे ही हुआ। फिर उसके बाद जब मैं उधर से इधर आया तो बिहार से भी ज़्यादा कराई बंगाल में था। मैं इधर आया, इधर जब आने के बाद फिर इधर तो मतलब 24 घंटा लाइन में पुलिस घूमता था, रोड पे पुलिस घूमता था, निकलने से ही उठा के लेके जाता था। फिर मैं क्या करता था, चुपके से मैं पीछे का रास्ता सुनवाता था, वो मारने पे मतलब बेसिक नहीं, आधा घंटा से 40 मिनट प्रैक्टिस करता था, वो भी डरे सह में कि हाँ कहीं पुलिस ना आ जाए, आए पुलिस पकड़ेगा तो फिर लेने का देना होगा। फिर उसके बाद ऐसे ही करते करते कुछ लॉकडाउन ख़त्म हुआ, कुछ ये हुआ। फिर जब पूरा लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो फिर हम लोग मतलब ये सोचते थे कि क्या फुटबॉल होगा क्या, सब बोलता था कि हाँ फुटबॉल अभी इस साल नहीं होगा, फिर ये होगा वो होगा। हम लोग बोलते थे कि इस बार हम लोग का पूरा मतलब गया, मतलब कुछ नहीं कर सकते। पूरा ख़त्म हुआ तो फिर हम लोग सोचते थे कि हाँ क्या करेंगे, अभी कोई टूर्नामेंट नहीं है। तो फिर अचानक एक दिन मैं सुबह को उठा तो ऐसे ही मोबाइल घिट रहा था ना, तो फेसबुक में देखा कि हाँ आईएफए शील्ड होने वाला है। तो मैं मतलब बहुत खुशी, अंदर से बहुत खुशी हुआ कि हाँ आईएफए मतलब बंगाल में फिर से फुटबॉल लौटने वाला है। तो मैं इतना खुश हुआ, ये मैं संग सर को फ़ोन किया, सर ने बोला हाँ आईएफए के थ्रू, जयदीप दा के थ्रू आईएफए शील्ड फिर से होने वाला है, वो भी बंगाल में। तो मैं और हैप्पी हो गया। और उस समय सर ने बोला मुझे कि हाँ अब तैयार हो जाओ, ये करना है। तो मैं तब मोहम्मडन में था, मैं सेकेंड डिवीजन आई लीग खेल के आया था, फिर मोहम्मडन में था। तो मोहम्मडन में खेल नहीं पाया, तो उधर से मैं खुद से रिलीज लिया कि मैं खेल नहीं पा रहा, बैठ के रहूँगा। फिर उसके बाद जॉर्ज का जो अधीराज दत्ता सर है, उन्होंने मुझे कॉल किया कि हाँ आईएफए शील्ड हो रहा है, क्या तुम मेरे लिए खेलोगे? तो मैं बोला हाँ क्यों नहीं खेलूँगा, आपके लिए तो मैं इतना कोलकाता लीग खेला, 4 साल से आपके क्लब में, तो इस बार क्यों नहीं खेलूँगा। तब आईएफए शील्ड के लिए मुझे बहुत क्लब वालों ने फ़ोन किया, तो मैं सबसे बेस्ट जॉर्ज टेलीग्राफ को ही चुना, क्योंकि जॉर्ज टेलीग्राफ के लिए चुना क्योंकि उस समय जॉर्ज टेलीग्राफ बोले तो उस क्लब का सीनियर प्लेयर भी था और कोच भी रंजन सर थे, जो मुझे अच्छी तरीके से पहचानते हैं। 4 साल से जो कोच मुझे देखेगा, अगर और भी कोई प्लेयर को देखेगा तो समझ जाएगा कि हाँ इस बंदे में है क्या आखिर। तो फिर हम लोग जॉर्ज का प्रैक्टिस में ज्वाइन किए। उधर जाने से पहले कोविड, 2 बार कोविड टेस्ट हुआ। कोविड टेस्ट होने के बाद फिर हम लोग एक संग प्रैक्टिस करते थे। प्रैक्टिस में बोले तो 40 जन नहीं, 100-100 जन आता था ट्रायल में। सर किसी को ना नहीं बोलते, सबको आने बोलते थे, सब मतलब सब टीम 25 जन करके प्लेयर प्रैक्टिस बुलाता था, पर हम लोग का एकमात्र जॉर्ज टेलीग्राफ था जो 100 जन 105 जन प्रैक्टिस आता था। जॉर्ज टेलीग्राफ का टीम आईएफए शील्ड शुरू होने का 2 दिन पहले मतलब पूरा टीम मतलब 25 जन नहीं, 30 जन का तो स्क्वाड था। 30 जन में सर ने 5 जन को और एक्स्ट्रा रखा था, 35 जन का नाम बोला। 2 दिन में हम लोग ये प्रैक्टिस किया। फिर प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग का टीम इतना अच्छा हो गया था, मतलब एक परिवार, इतना कम समय में एक टीम को एक मतलब एक गांठ मिलाना मतलब बहुत कठिन व्यापार है, लेकिन सर ने वो करके दिखाया। फिर उसके बाद हम लोग जब फर्स्ट मैच खेलने, सर हम लोग को यही बात बोलते थे कि हर मैच तुम लोग के लिए फाइनल है, ये एक टूर्नामेंट है, करोगे तो जीतोगे और नहीं करोगे तो हारोगे। तो फिर ये करते करते हम लोग हर मैच टू मैच बोलते थे कि हाँ ये आज जीतना है, ये करना है, वो करना है, बस यही सब। उसके बाद सर का तो अलादा ही फंक्शन था। मतलब मैं फर्स्ट मैच, अगर सब कोई देखा होगा आईएफए शील्ड का, तो मैं फर्स्ट मैच खेल रहा था राइट बैक। खेलने के बाद मैं उसके बाद वाला दिन प्रैक्टिस में गया तो सर ने बोला कि तुम्हें डिफेंसिव मिडफील्ड खेलना होगा। मैं बोला ठीक है सर, मैं खेला हूँ, खेल सकता हूँ डिफेंसिव मिडफील्ड। तो सर ने बोला ठीक है डिफेंसिव मिडफील्ड खेलो। तो फिर मैं प्रैक्टिस फर्स्ट दिन प्रैक्टिस किया डिफेंसिव मिडफील्ड। उसके बाद वाला दिन फिर मैं मुझे सर ने राइट बैक दे दिया। तो मैं बोला सर आप तो बोले डिफेंसिव मिडफील्ड खेलने, तो बोला नहीं डिफेंसिव मिडफील्ड नहीं, तुम राइट बैक ही खेलो। तो फिर मैं राइट बैक प्रैक्टिस किया, राइट बैक खेला। और मैं मैच में ड्रेसिंग रूम में गया, ड्रेसिंग रूम तक मैं जानता था कि हाँ मैं राइट बैक खेलूंगा, बट जब मैं वार्म अप से पहले टीम बोला गया तो सर ने बोला तुम्हें डिफेंसिव मिडफील्ड खेलना होगा। तो मुझे थोड़ा सा मतलब प्रेशर आया, बट प्रेशर आने के बाद भी सर ने मुझे इतना हेल्प किया, बोला कि टेंशन नहीं लो, तुम लोग अपना गेम खेलो, जीतोगे तो तुम लोग का क्रेडिट, हारने पर सब मेरा। तो फिर हम लोग खेले इंडियन एरोज सार्दन समिति के अगेंस्ट में, हम लोग जीते 2-1 से मैच।
फिर उसके बाद मतलब सर हम लोग का एक ये एम था कि ग्रुप चैंपियन होना है। ग्रुप चैंपियन होने से नेक्स्ट सेमीफाइनल थोड़ा मतलब आई लीग का टीम नहीं मिलेगा, कोलकाता का टीम मिलेगा। हम लोग का शुरू से यही था कि ग्रुप चैंपियन होंगे और कोलकाता के टीम के संग सेमीफाइनल खेलना है। तो फिर सेमीफाइनल के दौरान भी सर बहुत बोले, समझाए, प्रैक्टिस किए, बट सर ये भी प्रेशर नहीं देते थे कि क्योंकि उस समय सब प्लेयर लॉकडाउन से उठा था। तो लॉकडाउन से उठने के बाद हर प्लेयर का ज़रूरत होता है पैसा, मतलब अभी हर परिवार में पैसा ज़रूरत होता है। तो सर किसी को खेला रहता था, खेप होता था, सर किसी को बारन नहीं करते थे, सबको यही बोलते थे कि प्रैक्टिस आओ, प्रैक्टिस करो, उसके बाद जो करना है करो आप लोग, बट मैच का एक दिन पहले आप लोग कहीं नहीं खेलो, जॉर्ज के लिए खेलो और जॉर्ज अच्छा रिजल्ट करेगा। वही आज हुआ, IFSL रनर अप। अगर किसी ने देखा हुआ तो IFSL गोल से हम लोग हारे, बट खेला से हम लोग नहीं हारे, खेला से हम लोग जीते। और धन्यवाद देना चाहूँगा IFA को और जयदीप दादो को कि इतना बड़ा एक पेंडेमिक में इतना बड़ा एक टूर्नामेंट वो भी इतना सेफली कराया।